परिसर में नागपुर महानगर पालिका की ओर से चल रहे अतिक्रमण कार्यवाही के विरोध में मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला धोटे ने आंदोलन किया। शहर के ताजबाग परिसर में नागपुर महानगर पालिका की ओर से सोमवार से अतिक्रमण कार्यवाही की जा रही है। इस अतिक्रमण कार्यवाही से परिसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। मनपा की ओर से हो रही इस कार्यवाही के खिलाफ मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला धोटे ने परिसर का जायजा लिया और ताजबाग ट्रस्ट के कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया। इन विषय से बात करते हुए धोटे ने कहा कि एक ओर प्रधानमंत्री गरीबों को घर मिले इसके लिए योजना बना रही है, तो दूसरी ओर वहां गरीबों का मकान और दुकानें तोड़े जा रही हैं। धोटे ने आगे कहा कि अगर ये कार्यवाही जल्द से जल्द रोकी नहीं गई की गई तो यहां पर दूसरी क्रांति होगी। सबसे दुर्दैवी की बात यह है कि कल यहाँ पे अतिक्रमण पथक ने कार्रवाई की है। हम उत्सव के 100वें साल में है। 100 साल का उत्सव यहाँ पे ताजुद्दीन बाबा के सब आशियाने में यहाँ पे उत्सव मनाया जाने वाला है। उत्सव का ये हफ्ता चल रहा है। उत्सव के सप्ताह में लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट होना, लोगों के दिल में खुशी होना, मगर लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। लोगों के दिलों में खौफ है और आंखें नम है, आंसू से भरे हैं। लोगों को रोजगार देना तो बहुत दूर की बात, मगर लोगों के दुकानों पे बुलडोजर चला के लोगों को बेरोजगार करने की मुहिम यहाँ पे चलाई जा रही है। एक तरफ तंत्र प्रधान आवास योजना हम सारे देश में चला रहे हैं और दूसरी तरफ इस परिसर के संडास बाथरूम तो छोड़ो, लोगों के मकान भी आप तोड़ रहे हो अतिक्रमण के नाम पे। रातों रात तो अतिक्रमण हुआ नहीं, गए 20-25 साल से जो कुछ बना है वो बना है। तो 20-25 साल तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारी कारपोरेशन, तुम्हारा पुलिस विभाग, तुम्हारी NIT ये सोई थी क्या? जब अतिक्रमण की पहली ईंट लगी तभी अगर लोगों को रोके रहते थे तो अतिक्रमण हुआ नहीं रहता था। अब लोगों ने अपने पेट का एक एक पैसा जमा करके, मेहनत का आधा पेट रख के पैसा जमा करके जो कुछ अपना छोटा मोटा यहाँ पे बनाया है, कंस्ट्रक्शन किया है, उनका लाखों रुपया उधर लग गया है। तो ये नुकसान भरपाई नागपुर महानगर पालिका, NIT, पुलिस विभाग और ये जो ताजुद्दीन बाबा की ट्रस्ट इधर बैठी है, ये देंगी लोगों का नुकसान भरपाई? इनको ही देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तुम सोए थे क्या? अब तक तुम कुंभकरण की नींद में सोए थे क्या? अब तक तुम कुंभकरण के नींद में उठे नहीं? और कार्रवाई, कानून सभी के लिए समान रहता है। एक तोड़े लाइन के पूरे तोड़ डालो, बीच बीच के क्यों छोड़े हो? और ट्रस्ट के सदस्य सड़क पे उतरते और वो अतिक्रमण वाले को उंगली करके इशारे करके बताते ये तोड़ वो तोड़। अरे ये क्या चल रहा है यहाँ पे? तानाशाही और हुकुमशाही चल रही है, लोकशाही का चित्र यहाँ पे दिख नहीं रहा। आज 9 अगस्त है, संपूर्ण देश में अगस्त क्रांति दिवस करके ये मनाया जाता है। इस ट्रस्ट को और इस ट्रस्ट के इशारे पे काम करने वाली कारपोरेशन को हम चेतावनी देते हैं, हम इशारा करते हैं, इशारा देते हैं कि अगर ये अतिक्रमण की कार्रवाई रुकती नहीं है तो संविधान के दायरे में रह के दोबारा क्रांति इधर ताजबाग में होगी। एक बार देश की आजादी के लिए पूरे देश में क्रांति हुई थी, मगर ताजुद्दीन बाबा का जो ये दरबार है, यहाँ के जो लोगों पे नाइंसाफी हो रही है, इन लोगों को न्याय देने के लिए इस परिसर में दोबारा क्रांति होंगी। इन विजन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।